पिछले 7 दिनों से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे नर्सिंग स्टाफ उलझन में। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की सीएम से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने के दिए निर्देश। विदिशा में हड़ताल कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने लिखित आश्वासन के बाद ही हड़ताल से हटने की कही बात। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है। जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। रविवार को भी धरना स्थल पर सभी सदस्य धरने पर बैठे रहे। बताया गया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की सीएम से मुलाकात हुई थी, जिसमें आश्वासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने हड़ताल खत्म करने के संबंध में सूचना जारी की थी। लेकिन विदिशा में नर्सिंग स्टाफ जो हड़ताल पर बैठा है, उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले भी उन्हें आश्वासन मिला था, एक बार फिर आश्वासन दिया है जिसे वह मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन देने के साथ 10 में से प्रमुख मांग सेकेंड ग्रेड पे की मांग को माना जाए, तभी हड़ताल खत्म की जाएगी। यह भी बताया गया कि यहाँ लाडले बहना योजना के लिए 1,000 से 3,000 कर देने के बाद भी वित्त विभाग से चर्चा नहीं की गई, फिर हमारे वेतन को बढ़ाए जाने के लिए वित्त विभाग का बहाना क्यों बनाया जा रहा है। जी, मैं संध्या यादव, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष। आज आपने हड़ताल बंद कर दी है, क्या वजह है? हड़ताल अभी हम लोग ने बंद नहीं की है, बस हमें ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष ने ये बताया कि उनकी जो मीटिंग हुई है उस पर आश्वासन दिया गया है हमारी मांगों को लेकर, लेकिन हम लोग ने अभी हड़ताल बंद नहीं की गई है। अभी हम लोग पूरे जिला अध्यक्ष से बात करके यदि हमारी मांगों को लिखित में नहीं दिया जाएगा तो हम हड़ताल आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी क्या कदम उठाने वाले हैं आप थोड़ी देर में से, अगर नहीं आदेश कब तक मिलेगा? आदेश का तो उन्होंने अभी नहीं बताया कि कब तक देंगे, लेकिन हम लोग जिला अध्यक्ष, सभी जिले के जिला अध्यक्ष बात करके जो भी डिसीजन होगा वो हम लोग लेंगे। मैं निर्मला कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदिशा से नर्सिंग ऑफिसर के उसमें पदस्थ हूँ, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की सदस्य हूँ। मैं आज हमारा 7वां दिन है और हड़ताल का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री जी का वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई, जिसमें ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि उन्होंने आज भी हमको आश्वासन ही दिया है। तो मंत्री जी से हमारा यही कहना है कि हर बार हमको आश्वासन दे के आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। यही मंत्री जी जिस वक्त लाडली बहना ये सब चला रहे हैं 1,000 से 3,000 किए, तब तो इनको वित्त विभाग नहीं दिखा, वित्त विभाग से तब इनकी वार्तालाप नहीं हुई, इन्होंने बजट तब नहीं देखा। जब हमारी बातें आई तब इनको बजट दिख रहा है कि पहले हम वार्तालाप करेंगे वित्त विभाग में, इसके बाद आप लोग को सेकेंड ग्रेड देंगे। हमको आश्वासन क्यों? यही चीज लाडली बहना, और इन हमको किसी से अपोज नहीं है कि लाडली बहना को वो 3,000 क्यों दे रहे हैं, अच्छी बात है दे रहे हैं, बट हमको क्यों नहीं, हमको आश्वासन क्यों? हमारे भी हमको भी तो लिखित आदेश चाहिए। हमको बस इतना ही है कि मंत्री जी से हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रिटर्न में चाहिए कि आपके सेकेंड ग्रेड, हमारा पहला डिमांड है सेकेंड ग्रेड, बाकी सारे मांगे वो छोड़ देना। मंत्री जी बोल रहे हैं सेकेंड ग्रेड के लिए हम चर्चा करेंगे, हम बोल रहे हैं ना बाकी चीजें वो छोड़ दें, हमको सिर्फ सेकेंड ग्रेड दें, और हम ये कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज क्या